तेरा ध्यान किधर है। गाइज आई एम सो नर्वस दिस टाइम, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ भाई, पता नहीं क्या होगा। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, देख रहे हो, ये मशीनें हैं, इधर मशीनें हैं, इधर मशीनें, मतलब एक चैम्बर में ना नहीं भी तो आपको 20 डॉक्टर बैठे हुए हैं भाई, 20। आप देख रहे हो फीसल रहान, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वेल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सो फाइनली 5 महीने के बाद मुसलसल भाई मेरे को ये दिन में असर हो रहा है कि मैं अभी जा रहा हूँ डेंटल हॉस्पिटल, आर अहमद हॉस्पिटल जो कोलकाता में सबसे पाना जाना सबसे बड़ा मतलब हॉस्पिटल है, वहाँ जा रहा हूँ गाइस। सो मैं बताता हूँ, 5 महीने हो गए भाई मेरे को यहाँ पे ट्रीटमेंट कराए हुए, समझ रहे हो। 5 महीना पहले मैं ट्रीटमेंट यहाँ पे करवाया था और फाइनली वो डेट दे दिया था कि ये डेट को आपका मतलब ऑपरेशन बोले तो दांत का ऑपरेशन होगा। सो फाइनली वो डेट आज है 14 तारीख को। एक्चुअली गाइस बहुत डर भी लग रहा है भाई, क्या होगा नहीं हो, फर्स्ट टाइम मैं अपने दांतों का ऑपरेशन कराने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम मैं मतलब इसका ट्रीटमेंट कराने वाला हूँ। तो वो चीज़ें मेरे को काफ़ी नर्वसनेस फील करा रहा है। और हमारे साथ ऐसे गार्जियन एक बंदा मांगता है, वो शहबाज को मैं लेके जा रहा हूँ, हमारा छोटा भाई शहबाज वो गार्जियन आज बन के जा रहा है हमारा। तो फाइनली चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है, फीडबैक सब आपको बताते हैं, मतलब हमारा काम होता है या नहीं होता, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहें हमारे ब्लॉग के साथ, जो नए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हाँ, आर अहमद हॉस्पिटल एंड कॉलेज हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है यहाँ पे कोलकाता में माना जाता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है। इस वजह से मैं मतलब ऐसे एक्सपीरियंस लेने के लिए भी मैं इतना दिन वेट किया, नहीं तो कहीं भी हमको हम इलाज करवा सकते थे, लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस लेना था। और कई लोगों का मैसेज भी था भाई कि कैसे क्या होता है, वो चीज़ें मेरे को नेक्स्ट वीडियो में बताना। इससे पहले वाला जो वीडियो जो देख रहे हो ना आप स्क्रीन पे, वो वीडियो में मैं बहुत खुलासा किया हूँ, बहुत चीज़ें बताया हूँ, और वो वीडियो हमारा वायरल भी गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप कि ये वीडियो भी लोग पसंद करेंगे भाई, तो बने रहिए हमारे। ये रहा भाई उसका डॉक्टर का ये, और क्या बोलते हैं एक्सरे का मेरा, जो भी फोटो शॉट जो भी इसमें, उसमें भी थोड़ा बहुत दाग आ गया है, मतलब 4 महीने मुसलसल रहना ऐसे ही, समझ रहे हो, ये कागज़ का ही दाग आ गया गाइस, पता नहीं काम हो पाएगा या नहीं, आई डोंट नो भाई, तो वहाँ जाके पता चलेगा। एक तो 5 महीना हम वेट किए, ऊपर से अगर काम नहीं होना तो बहुत बोले तो दुख का सामना करना पड़ेगा गाइस, काफ़ी अपसेट हो जाऊँगा मैं। और फाइनली सामने मौला अली दिखता होगा भाई, मौला अली के जस्ट पार करेंगे तो भाई आर अहमद डेंटल हॉस्पिटल एंड कॉलेज में को मिलेगा भाई, तो वो चीज़ें मैं सब कुछ एक्सप्लोर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और शहबाज तिलावत भी कर रहा है, तिलावत कुरान। और ये रहा हमारा स्कूल भाई, यहाँ पे हमारा एडमिशन हो गया था, कुछ दिन हम पढ़े थे लेकिन फिर मतलब हमारी बदमाशियों की वजह से हम फिर यहाँ से निकल गए थे, फिर मदरसा आ लिया। आर अहमद वो रहा आर अहमद, देख रहे हो वो जो दिख रही ना बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है आर अहमद है, ठीक है, आर अहमद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ठीक है, जस्ट अपोजिट में उसका एक्सरे सेंटर मिलेगा, ठीक है। अगर आप नए हो कभी आते हो तो भाई ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये पूरा बिल्डिंग आर अहमद है, हमको इसमें जाके और अपना दादों का ट्रीटमेंट करवाना है गाइस। सो आई एम सो नर्वसनेस दिस फील। आप कोलकाता वेस्ट बंगाल या कहीं से भी आ रहे हो ना, सियालदह का गाड़ी पकड़ के यहाँ पे उतर, यहीं पे उतारेगा आपको, जस्ट इसके अंदर घुस जाना। और ये रहा उसका एक्सरे सेंटर, ये भी पूरा बिल्डिंग दिख रहा ना, सब आर अहमद का ही है गाइस, ठीक है। कि हमको रोड पार करके भाई वो पार जाना पड़ेगा। गाइस हम नेक्स्ट में आए थे ना, ये पूरा में लाइन था, पता नहीं भाई आज लाइन क्यों नहीं दिख रहा मेरे को, ऐसा लग रहा बंद तो नहीं है गाइस, समझ में नहीं आ रहा भाई, लोग तो आना जाना कर रहे अंदर से, नहीं ओपन तो दिख रहा है। और फाइनली मैं इन कर गया हूँ भाई आर अहमद के सेक्शन में गाइस, रहा टिकट काउंटर, वहाँ के वहाँ पूछे, वहाँ पूछताछ वाला सिस्टम है, ठीक है ना, वहाँ के पूछे तो वो बताए कि ऊपर 5 तल्ला पे जाना मेरे को। और ये रहा लिफ्ट, हम इससे ऊपर जाएंगे भाई 5 फ्लोर पे, मेरे को लग रहा ना हमको रेफर हो इसी में करेगा ये लोग, इसी में मतलब ऑपरेशन होता है। सो बड़ी यहाँ पे आए तो यहाँ पे बोला भाई 4 पे जाओ, मतलब ये सिस्टम मतलब गवर्नमेंट में चलता रहता है भाई, कोई भी एक जगह पे आप चाहोगे काम हो जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम लोग अब चलते हैं 4। फाइनली हम आ गए यहाँ पे, शायद इससे पहले जो आए थे ना हम यहीं पे आए थे, ठीक है ना गाइस, मतलब कि 5 महीना पहले जो डेट लेने के लिए आए थे यहीं से लेने के लिए आए थे। गाइज अब हम वहाँ से आए ना, अब इस तरफ से फिर ऊपर भेज रहा मेरे को, चलते हैं अब ऊपर इसको लेके क्या होता है नहीं होता है। आवाज कैसा लग रहा है दौड़ने में, ये चीज़ें एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है भाई। और जो हमारे वीडियोस को देख रहे हो भाई पूरे अच्छे तरीके से देखना, सब कुछ पता चल जाएगा क्या है नहीं है, कहाँ क्या करना नहीं करना, ठीक है ना। फाइनली हम ये सीख रहे हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे को लग रहा ना कल काम ऑलमोस्ट हो जाएगा हमारा,
पर जमा तो लाइन में खड़े हैं। सुबह डी अभी हम ना अपने पेपर अपने जमा दिए हैं और भी कई सारे लोग भाई लाइन में लगे हुए हैं। मतलब मेरा दूसरा सेक्शन, पहला सेक्शन चल रहा है, जो आवाज़ें आ रही है ना मतलब सब लोगों का, वो पहला सेक्शन चल रहा है, अभी मेरा दूसरा सेक्शन बाकी है, तो मतलब वेट करना ही पड़ेगा और पता नहीं क्या वो चीज़ देख रहे हो। और सब तरफ सेक्शन बोले तो ऑपरेशन वाला सेक्शन में मेरा ये सब देख रहे बी4 फैसिलिटेड रूम वगैरह वगैरह। सुबह डी फाइनली हम अंदर आ गए गाइस, देख रहे हो मुझे यहाँ पे बैठा दिया गया है, अभी डॉक्टर आए नहीं है। गाइज आई एम सो नर्वस दिस टाइम, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ भाई, पता नहीं क्या होगा। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, देख रहे हो ये मशीनें हैं, इधर मशीनें हैं, इधर मशीनें हैं, मतलब एक चैम्बर में ना नहीं भी तो आपको 20 डॉक्टर बैठे हुए हैं भाई, 20 मसलसल। अभी कुछ किया है, एक तरफ भर दिया है और अभी सेकंड फ्लोर तो वो जाने बोला है इसको लेके, तो चलते हम लोग सेकंड फ्लोर। मसलसल 2 घंटा भाई यहाँ पे इंतजार किया जब फोन हुआ है, ठीक है चलते चलिए हम यहाँ से आउट होने वाले हैं, क्योंकि ना मतलब एक तरफ का मेरा काम हुआ है, फिलिंग जो था ना गाइड वो वाला हो गया है, और जो निकालने वाला था दांत निकालने की बात थी वो वाला सेक्शन अलग है, वो बता रहा सेक्शन अलग है, उसका अलग डेट टाइम देना पड़ेगा आपको, तो उसका 19 जनवरी को मेरे को टाइम दिया निकालने का, लेकिन हम उतना वेट नहीं करेंगे, जितना भी वीडियो बनाना था मेरे को यहीं तक बना लिया। अब बोला थूक ज़्यादा फेंकना नहीं है, थूक पे थूक आ रहा है गाइस, तो कोई नहीं, बहुत ज़्यादा बोले तो आप आते हो, अगर आपसे टीसी कराने के लिए आते हो भाई तो डेट 5 महीने तो रुकना पड़ेगा, 5 महीने के बाद अगर आते हो आप तो आपको नहीं भी तो मुसलसल 5 दिन घूमना पड़ेगा, डेट पे तब जाके RCTC होगा आपका। और देख रहे हो फिलिंग में मतलब एक दिन मतलब 5 महीने के बाद मेरा ऑलरेडी फिलिंग हो गया है, और कोड़वाने के लिए मेरे को फिर से 2-3 महीना मेरे को टाइम दे दिया भाई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना गवर्नमेंट का काम क्या है क्या नहीं है। पर बहुत बोले तो लाखों के तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं, अभी भी लाइन पे लाइन लगे हुए हैं। फाइनली मेरा 3 घंटा 3.5 घंटा हुआ है मेरा यहाँ पे, और फाइनली मेरा फिलिंग वाला सिस्टम हो गया, लेकिन ये कोड़वाऊँगा कहीं बाहर से मैं, मतलब पापा कोड़वाए देना गाइस, वहाँ पर हम इसको निकलवाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर और टाइम लेना इज नॉट पॉसिबल भाई, मेरे को ये प्रॉब्लम कर रहा है, जो प्रॉब्लम कर रहा था उसी में थोड़ा सा ये लोग टाइम लगा रहे गाइस, बट कोई नहीं निकलते हैं। अभी तक लोग आ ही रहे हैं, दिन के 2 बज रहे भाई, अभी भी लोग आना जाना स्टार्ट ही कर रहे हैं, मतलब देख रहे हो अंदर में तो इतना क्राउड था ना, वीडियो कहीं लेना अलाउड नहीं था, इस वजह से पूरा अंदर तक लिया नहीं, लेकिन फिर भी बचा के हर तरफ ले लिए, कवर कर लिए, ठीक है ना गाइस। सो वी आर आउट फ्रॉम दिस सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जो नए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर देना, आई होप ये नॉलेजेबल वीडियो पसंद आया होगा, किसी तरह जानकारी लेने के लिए भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं फॉरवर्ड करूँगा, ठीक है ना।